जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जब से पीएम मोदी के साथ फिरोजपुर शाह वाला हादसा हुआ है, तब से यहां पर कई सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी से रिलेटेड जो भी खबर है वो ट्रेंड पर है। ऐसे में आज खबर सामने आई है पीएम मोदी की पत्नी जसोदा बेन को लेकर, जिन्होंने एक इंटरव्यू में अपने पति पीएम मोदी को लेकर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए थे। आखिर क्या कहा था जसोदा बहन ने पीएम मोदी के लिए, देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमने जिक्र किया कि पीएम मोदी की पत्नी जसोदा बहन का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस इंटरव्यू को लेकर जसोदा बहन से कई सारे सवाल किए गए थे। और ये सवाल तब किए गए थे जब पीएम मोदी जी पीएम नहीं बने थे और वो पीएम मोदी बनने को लेकर शपथ लेने वाले थे। तो पहला सवाल उनसे क्या पूछा गया था, चलिए बताते हैं आपको। पहला सवाल पूछा गया था पीएम मोदी की जहां पर पीएम मोदी की पत्नी से पूछा गया कि आप शादी के बाद कितने सालों तक पीएम मोदी के साथ पत्नी की तरह रिश्ते में रही और आज आप अलग होने के बाद कैसी जिंदगी जी रही हैं, जिसके जवाब में जसोदा बहन ने कहा, जहां पर जसोदा बहन ने कहा कि मेरी 17 साल की उम्र थी जब मैं शादी कर मोदी जी के घर पर चली गई थी। मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ना कि घर के कामों पर। यहां तक कि पीएम मोदी ने शादी के बाद उनकी पत्नी जसोदा बहन को लेकर काफी ज्यादा उनकी मदद करी थी। उनके घर के कामकाज से लेकर उनकी पढ़ाई करवाने में भी उनकी काफी मदद की थी। अब पूछते हैं दूसरा सवाल। इसी के साथ जसोदा बहन से दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि जब भी आपसे आपकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सवाल किए जाते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है, क्या आपको लो प्रोफाइल रहने की हिदायत दी जाती है, जहां पर जसोदा बहन ने खुलासा किया और कहा कि मेरी जब शादी हुई थी, शादी के बाद हम सिर्फ, मैं और पीएम मोदी जी सिर्फ 3 साल 3 महीने तक ही साथ रहे, जिसके बीच हमारे बीच ना तो कोई झगड़ा हुआ ना ही कोई मनमुटाव। मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई बनावटी बातें नहीं बोल रही। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 3 साल और 3 महीने के बाद जब मैं और पीएम मोदी अलग हुए, उसके बाद से हमारे बीच कोई भी कनेक्शन या कोई भी बातचीत नहीं हुई। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते के साथ अलग हुए और आज भी हम अच्छे रिश्ते के साथ ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए नजर से नजर मिलाते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। जिसके बाद तीसरा सवाल जसोदा बहन से पूछा गया था कि क्या आप अपने पति नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी बातों पर खबर रखती हैं, उन पर ध्यान रखती है कि आखिर पीएम मोदी इन दिनों क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं। तो इस पर जसोदा बहन ने कहा था कि हाँ, मैं टीवी देखती हूँ, मैं अखबार पढ़ती हूँ, मेरे हाथ में जो आता है मैं वो सब कुछ पढ़ती हूँ और पीएम मोदी के लिए जितनी भी खबरें आती है वो सारी मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे उनके बारे में खबर पढ़ना अच्छा लगता है। जिसके बाद ये सवाल भी जसोदा बहन से पूछा गया था कि अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए और वो दिल्ली आए तो क्या जसोदा बहन वापस पीएम मोदी के पास आएंगी और उनसे मिलना चाहेंगी। तो इस पर जसोदा बहन ने अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि वो उनसे मिलना नहीं चाहती और साथ ही यहाँ पर पीएम मोदी भी जसोदा बहन को मिलने के लिए नहीं बुलाएंगे। वो बस यही कामना करती हैं कि उनके बोलने की वजह से या उनकी वजह से पीएम मोदी के काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जिसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि जब पीएम मोदी ने क्या आपसे कभी ये कहा कि वो शादी के बंधन से अब अलग होना चाहते हैं, जिस पर जसोदा बहन ने कहा कि हाँ, ऐसा कई बार हुआ जब पीएम मोदी ने उनसे कहा कि तुम्हें इतनी कम उम्र में शादी कर ससुराल नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए थी, मैं पूरा देश घूमना चाहता हूँ, तुम मेरे पीछे कहाँ कहाँ घूमोगी। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब भी मैं अपने ससुराल जाती थी तो कई बार पीएम मोदी को उनके ससुराल में नहीं देखा, पीएम मोदी ने अपने ससुराल अपने घर में आना छोड़ दिया था, जिसके बाद जसोदा बहन ने भी अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में अपने पिता के साथ रहने का ही फैसला ले लिया था। जहां पर एक सवाल ये भी पीएम मोदी के पति जसोदा बहन से पूछा गया कि क्या आप कानूनी तौर पर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, यानी कि आप दोनों का क्या कानूनी तरीके से तलाक हो चुका है, जिस पर उनकी पत्नी जसोदा बहन ने कहा कि मेरा नाम पीएम मोदी के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप लोग भी यहाँ पर मुझसे बात करने आए हैं। अगर मेरा नाम उनसे नहीं जुड़ा हुआ होता तो शायद आप मुझसे बात नहीं करते। यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया कि उनके बीच का रिश्ता अभी भी कायम है। जिसके बाद जसोदा बहन से ये सवाल भी पूछा गया कि आज तक पीएम मोदी ने आपको पत्नी का दर्जा नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्होंने कई सालों तक अपनी शादी का सच भी छिपाया, तो क्या आपको इस बात का बुरा नहीं लगा। तो इस पर
खुद जसोदा बेन ने कहा कि उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा क्योंकि जब से वो पीएम मोदी बने हैं तो वहाँ पर उन्हें कई सारी चीजें बोलनी पड़ती है, करनी पड़ती है, झूठ भी बोलना पड़ता होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जिस स्थिति में हूँ इस वक्त उनसे अलग होकर मैं बहुत ही बेहतर स्थिति में हूँ। इसके बाद उनसे एक और सवाल पूछा गया था जिस पर पूछा गया था कि आपने आज तक दोबारा शादी क्यों नहीं की पीएम मोदी से अलग होने के बाद, जिस पर जसोदा बहन ने कहा था कि उनकी पहली ही शादी का एक्सपीरियंस ऐसा था कि उन्हें दोबारा शादी करने का मन ही नहीं हुआ। तो ये थे वो सवाल, ये थे वो जवाब, जिन सवालों का जवाब देते हुए जसोदा बहन ने अपने पति पीएम मोदी को लेकर किए थे कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीका से जसोदा बेन ने अपने पति पीएम मोदी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इंटरव्यू में वो सारी बातें बताई जो लोग नहीं जानते थे और इन बातों को जानने के बाद पीएम मोदी के लिए लोगों के दिल में और भी ज्यादा इज्जत बढ़ चुकी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक लिए गुड बाय।